हाय दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके यहाँ पे जो कंपनीज हैं सिंगरौली में, कुछ कंपनी हैं जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिलायंस शासन की जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है, इसके बावजूद उन लोगों ने ये नहीं समझा कि लैंड को एक्विजिशन करने के बाद अपने माइंस में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करें। यहाँ पे ये जो ज़मीन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुहेर ग्राम में है। मुहेर ग्राम में जो अमलोरी इनका जो प्लांट है उनका एक्सटेंशन है। यहाँ पे ऑलरेडी एनसीएल ने एप्लीकेशन दायर किया था कि ये एनसीएल को माइंस मिलना चाहिए, बट रिलायंस ने वहीं आपत्ति किया था कि इसको जो है रिलायंस शासन को मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने किसी कारणवश यहाँ पे एक्विजिशन नहीं कर पाए। और ये यहाँ के जो भी ग्रामीण थे, ग्रामीणों से ये लोग किसी भी मोल भाव करके उनसे डायरेक्ट रजिस्ट्री करा के बिना एक्विजिशन के किसी तरीके ज़मीन लेते रहे। ये हम लोगों से भी दो तीन बार मीटिंग हुई। मेरा नाम अनिल जायसवाल है, मेरे पिता श्री दयानंद एडवोकेट दयानंद जायसवाल जी हैं, वो मेरे डॉक्टर भैया डॉक्टर राजकुमार जायसवाल हैं, ये रिलायंस के सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये मेरे मित्र लोग गांव के हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनसे पूर्ववत में दो तीन बार मीटिंग हुई और फ़ोन पे तो रेगुलर टच में थे। हमने कहा भाई जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमें उचित मुआवजा दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना माइंस लगाइए, क्योंकि हम लोग भी कंपनियों को अपने देश में जो तरक्की हो रहा है हम भी उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ज़मीन को फ्री में कैसे दान दे दें इन लोगों को। मैं इनसे काफ़ी प्रार्थना किया, काफ़ी बार हम लोगों की रिक्वेस्ट की भाई आइए मीटिंग हो जाए, आपका जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है अदरवाइज आप एक्वायर कर लीजिए, आप जो भी धारा 469 व्हाटएवर धारा है वो लगा के आप एक्वायर कर लीजिए। लेकिन इन्होंने काफ़ी बार डायरेक्ट परचेसिंग के नेगोशिएशन के मूड में रहते रहे। हमने कहा नेगोशिएशन तभी करेंगे जब आप जो भी आपका रेट होगा कलेक्टर ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रजिस्ट्री करा देंगे। तो ये आज सुबह पता चला कि बिना किसी एक्विजिशन के, बिना किसी सूचना के इन लोगों ने यहाँ पे एक्सक्यूवेशन, आप देख सकते हैं किस तरीके मशीन है, और अब हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा भी कुछ और होगा तो हम लोग इनके 30-40 फीट खाई में गिर जाएंगे। हमारा गाड़ी भी यहाँ पे खड़ा है, हम लोग आए हैं जब से जैसे ही सूचना मिली हम लोगों ने यहाँ आ गए हैं, और हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि बॉस जब तक आप लोग आओगे नहीं आप पटवारी से लिखवा दो, अगर आपको लगता है कि ये एरिया बाहर में है आप हमें बता दो हमारा दूसरा एरिया कहाँ है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आपसे मुआवजा भी नहीं चाहिए अगर हमारा ज़मीन बाहर में है, हमारा यहीं पर है, आपने 5 बार पहले ही ऑलरेडी इतने बार नेगोशिएशन किया, फिर आप अचानक बिना किसी सूचना के बिना किसी रजिस्ट्री के आपने कैसे इस तरीके एक्सक्यूवेशन करने चालू कर दिया। हमने जैसे ही हमें सूचना मिली हमने सिंगरौली के जो भी अपने पत्रकार बंधु हैं उनको हमने सूचना दिया, साथ में कलेक्टर साहब को सूचना दिया, टीआई को दिया, यहाँ पे टीआई हैं सब इंस्पेक्टर हैं उनको भी हमने सूचना दिया है, एसडीएम पवार साहब को हमने सूचना दिया है, उनको व्हाट्सएप फोटोग्राफ सी उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया है। लेकिन हमारा ये निवेदन है कि बस जितना जल्दी आप लोग आके यहाँ इनका रुकवा सकते हैं रिलायंस को कि भाई इस तरीके इलीगल एक्विजिशन ना करें, इलीगल एक्टिविटी ना करें, इसको अपने ज़मीन को प्राइवेट लैंड को इस तरीके आप माइंस में मत कन्वर्ट कीजिए, आइए आप उचित मुआवजा दे करके आप फिर माइंस स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर थोड़ी भी देरी हो गई 2-3-4 घंटे की तो ये लोग पूरे इस लैंड को 50 फीट माइंस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते जाएंगे, बट हमें कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हम मेरे पिताजी हैं वो अब एडवोकेट दयानंद जायसवाल, वो बताएंगे आपको कि ये ज़मीन का डिटेल क्या है, रकवा और इसका प्लॉट नंबर। पापा जी आप मेरे को बताइए ये कितना क्या है, ये प्लॉट में ग्राम मुहेर की है, खसरा नंबर है 207/2, रकवा है 0.405 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ जमीन है, जिसके भूमस्वामी दयानंद जायसवाल, पिता रामजीवन जायसवाल, श्रीमती कलावती जायसवाल, पत्नी दयानंद जायसवाल, राजकुमार अनिल कुमार, ममता अनीता, पिता दयानंद जायसवाल हैं। ये हमने ज़मीन 2013 में क्रय किया है श्री दिलवरन जायसवाल से, इसी नंबर में रिलायंस ने 25 डिसमिल जमीन दिलवरन जायसवाल के पुत्र राम प्रसाद जायसवाल से क्रय किया है, उनके मकान का दीवार थोड़ा सा एक कोना बचा हुआ है और उसी ज़मीन को ये बार बार हम पे दबाव बनाते रहे कि हमें ज़मीन करने दीजिए, हमने कहा कि भाई हम ज़मीन नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि आप लीगल में लेंगे तभी दे पाएंगे। इन्होंने 2013 में मेरे 2 डिसमिल का मकान RCC कन्वेयर लाइन में इन्होंने 12 बजे रात डोजरिंग कर दिया था, यही रिलायंस कंपनी है, इस तरह से इनकी हरकत है। इनसे लगातार 6 महीने से बात हो रही है, मैंने 4-5 बार फ़ोन किया इनको, बोलते रहे कि मैं उस ज़मीन को जब तक टच नहीं करूंगा जब तक रजिस्ट्री नहीं करा लूंगा, लेकिन फिर अनिल सिंह बघेल ने यह कहा कि भाई उच्च अधिकारियों को बता दिए हैं जब होगा तब होगा, और इन मुरे को रात में पता चला कि सुबह आज फोन गया है कि आपके ज़मीन में ब्लास्टिंग हो गई रात में,
अभी सब्बल मशीन लगा के आपकी मशीन को खोदा जा रहा है। अभी मौके जब मैं सुबह आया देखा 9:30 बजे, तब से मैं मना कर रहा हूँ कि मत खोदिए, ये नहीं मान रहे हैं, ज़बरदस्ती खुले हुए हैं कि हम खोदेंगे, जो करना हो करते रहिए। ठीक है, तो मेरा सबसे निवेदन है सिंगरौली वासियों की, ठीक है आज मेरा इस तरीके लैंड है, लोग ज़बरदस्ती इसको माइंस में कन्वर्ट कर देंगे, कल आपका करेंगे, धीरे धीरे पूरी सिंगरौली माइंस में बदल जाएगी बिना कोई उचित मुआवजा दिए हुए, बिना प्रॉपर एक्विजिशन के। तो मेरा निवेदन है सिंगरौली प्रशासन से कि बॉस आप लोग जो है उचित कार्रवाई करें और इस तरीके इलीगल एक्टिविटी को स्टॉप करें, जिससे जनता का जो है आपके प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। धन्यवाद।